हमारी जो ऑफिस है बिल्डिंग नंबर 3 उसके पास में बिल्डिंग नंबर 11 है, वहाँ पर का एक वीडियो था कि एक बंदे को कोरोना वायरस हुआ है, वो भी COVID-19। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। आज है वेनसडे, टाइम हो रहा है 11:40 और एक थोड़ी गड़बड़ हो गई है अभी। ये सब सभी लोगों को पता है, सभी जगह पर कोरोना वायरस चल रहा है, तो दिमाग में वही चीज घूम रही है। कल मॉर्निंग से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, मुझे हल्का हल्का बुखार है कल सुबह से, कल रात को थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन आज सुबह थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। बट आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस राइट नाउ, क्योंकि बुखार के साथ ही साथ मुझे हल्की हल्की सर्दी है। आज सुबह थोड़ी ज्यादा थी लेकिन अभी थोड़ा कम लग रहा है, और चांस मुझे इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमारे घर में बच्चे है, मेरी मॉम है, डैड है, तो इसलिए जा रहा हूँ डॉक्टर के पास अभी दिखाने के लिए। वीडियो के एंडिंग तक क्या होता है क्या नहीं, मेरा थोड़ा सा दिल धड़क रहा है। आज हम लोगों की शिफ्ट एकदम से चेंज हो गई है, दोपहर 1 से रात के 10 बजे तक, और फिर कल से यानी थर्सडे से शिफ्ट होगी मॉर्निंग 8 to 5, पता नहीं कब तक, वैसे तो नाइट शिफ्ट ही रहती है। तो जाते हैं फटाफट डॉक्टर के पास, हो सकता है वहाँ पर गर्दी हो गर्दी नहीं हो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 1 बजे तक हमको पहुँचना है ऑफिस, और अभी हो रहे 11:45। पहन लेते हैं मास्क और जाते हैं डॉक्टर के पास। हमारे यहाँ पर घुमसली गाँव करके एक जगह है, तो ये हॉस्पिटल तो 12 बजे बंद हो गया, और ये कह रहे हैं कि दूसरे एक सेक्टर 6 वहाँ पर हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं फटाफट जाते हैं, शुरू है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक आइडिया ले लेते हैं क्या वहाँ पर एक्चुअल में कोरोना वायरस से रिलेटेड टेस्ट होता है या नहीं होता है। और इसके लिए टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो बीमारी है ये 1 दिन में नहीं पता चलती, ये 5-6 दिन 10 दिन 14 दिन में बाहर आती है धीरे धीरे। हॉस्पिटल तो मिल गया, अभी जा रहे हैं ऊपर, 12:15 तो ऑलरेडी हो गया, देखते शुरू है नहीं है, लेट्स सी। तो भाई गया मैं वहाँ पर अंदर, डॉक्टर से बात किया, वो डॉक्टर तो मुझे थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या हो रहा है, और कुछ भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने, मैंने ही खुद होके बताया, और बस ये थोड़ी गोली दी, मैंने बोला हल्का हल्का सा बुखार है, खांसी वगैरह ऐसा कफ तो फील नहीं हो रहा, थकावट भी हो रही नहीं है पर बुखार है, तो उन्होंने बस नाम के लिए गोली लिख के दी, मुझे तो ऐसा लगा जो मुझे लगा बता रहा हूँ। और मैंने पूछा कि यही आसपास कहीं कोरोना वायरस का ऐसा टेस्ट कर सकते हो, उन्होंने बोला नहीं, डायरेक्टली लोअर परेल हिंदुजा में होगा, और मैंने बोला कि नवी मुंबई में कहीं होता है, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, अभी मुझे आइडिया नहीं है होता ही नहीं होता, आई विल गूगल इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन होना चाहिए, अगर नहीं होता तो होना चाहिए। और यार आजकल का टाइम इतना बिजी हो गया कि साला इंसान को खुद के लिए टाइम नहीं है, अभी जाना है काम पे, पर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस महीने में मेरी ऑलरेडी एक छुट्टी हो गई है, अगर मैं दूसरी छुट्टी लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 2000 का नुकसान हो जाएगा दो छुट्टी का। अभी जो गोली दी वो लेते हैं, देखते हैं 1-2 दिन। सो इट्स 12:30, घर पे पहुँच गया मैं, टिफिन भी रेडी है, अभी जाना है काम पे, गोली वगैरह खरीद ली है। वेलकम टू डे 2, आज है थर्सडे और अभी हो रहा है 12:30। यार कल बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी काम पे, और सुबह 8 to 5 की शिफ्ट थी तो मैं नहीं गया, 6 बजे के करीब मैम को व्हाट्सअप कर दिया कि आई कांट कम, आई वांट गो टू डॉक्टर फॉर मेडिसिन एंड इंजेक्शन। गलती कर दी मैंने वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, अभी मैं जाऊंगा, मेरे जो फैमिली फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर पाटिल, यही हमारे घर के पास रहते हैं। तो भाई कैसे हिम्मत करके इस हालत में घर से निकल गया हूँ मैं बैंक जाने के लिए, और गर्मी एकदम मस्त है, अच्छा लग रहा है थोड़ा धूप में बाहर निकल के। तो अभी इंडसइंड बैंक में जाके आ गया मैं, और एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे इंडसइंड बैंक में लगी कि जैसे मैं एंटर हुआ वो लोगों ने कहा कि बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं है, तो मास्क पहन लिया मैंने। तो जैसे अंदर एंट्री हुए तो पहले सैनिटाइजर दिए, हैंड्स वगैरह क्लीन किए, बिना मतलब के किसी को भी बैंक में आके बैठने नहीं दे रहे, जिनको काम है 1% एट अ टाइम आ सकता है, डिपॉजिट कर सकता है। एक मैम थी वो बोल रही थी कि एक अंकल थे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते फॉरेन कंट्रीज में, वो आए बैठे कॉफ़ी पिए पेपर पढ़े और चले गए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। आज सुबह पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन में आ गया था जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो जब हम कॉल करते और जो क्वालिटी उन पे नंबर सुनाई देता ना कोरोना वायरस से डील करने के लिए, ये नंबर पे कॉल करो अगर आपको कुछ फील होता है, तो मैंने मॉर्निंग में वो नंबर पे कॉल किया अराउंड 5:45, कॉल भी उठाया उन्होंने, तो मैंने उनको बताया भाई ऐसा मुझे डेली में सुबह ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे सांस फूलने जैसी गले में कुछ खराश या सर्दी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाओ, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही है 2-3 दिन देन वी कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू, लेकिन ऐसे किसी के भी साथ हम लोग टच में नहीं जा सकते, ना किसी को घर पे नहीं भेज सकते, और आई एम कम्प्लीटली अग्री विद दैट, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को भेजने लग गए वो लोग सबके घर पे, तो फिर तो हर कोई कॉल करके बोलने लगेगा कि भाई मुझे कोरोना वायरस है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है, हमारे दिल दिमाग में से डर बैठ गया ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लोग कुछ भी फैलाते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि कोई चीज़ अगर कन्फर्म नहीं है तो प्लीज़ उसे फैलाए मत, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आगे फॉरवर्ड मत करें, व्हाट्सअप FB या कहीं पर इंस्टा वगैरह कहीं पर भी टाइम है डॉक्टर के पास जाने का, पता नहीं कितनी भीड़ होगी कितनी नहीं। तो दवाखाना गया, दवाखाने से गोलियाँ दी, तो मेडिकल गया गोलियाँ लेकर आया, लेकिन दवाखाने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, डॉक्टर पाटिल ने मुझे पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, तो मैंने उन्हें जगह का नाम बताया कि भाई मैं इसी जगह पे काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस जगह पे तो ऑलरेडी एक पेशेंट पाया गया, उन्होंने देखा था गूगल या यूट्यूब पे, आप क्यों जा रहे हो काम पे, उन्हें कहो कि हमें छुट्टी दो ये दो, वहाँ पर मत जाओ काम पे, अगर आप वहाँ पर काम पे जाओगे आपको होगा, फिर आप हमारे यहाँ पर आओगे हमको होगा, फिर हमारे यहाँ पर लाइन से जो भी पेशेंट आएंगे सबको होगा, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हम इस
इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें मंथली पेमेंट चाहिए जिससे खर्चा चलता है, ये चलता है, तो हम क्या कर सकते, वी आर लाइक पावरलेस ओवर दिस सिचुएशन। और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और हुई, एक छोटा सा फ्रॉड होते होते रह गया। मैं वहाँ से गया मेडिकल में मैंने गोलियाँ ली, तो उन्होंने कहा कि 205 रुपीज़ हुए गोली और सिरप के। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मुझे बिल दे दो, तो उन्होंने कहा बिल चाहिए, मैंने बोला हाँ। और जब बिल बना तो बिल बना 199.38 पैसे का, तो उन्होंने कहा कि अभी 200 रुपये दो, 205 मत दो। तो ऐसे होता है फ्रॉड, बिना बिल के अमाउंट बता रहे थे 205, जब मैंने बिल लिया तो अमाउंट बना 200। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ये व्लॉग अभी तीसरे दिन भी चल रहा है, मेरी अभी शिफ्ट है 8 to 5 की। आज सुबह भी मैं डिसाइड कर रहा था कि नहीं जाऊंगा क्योंकि आई वॉजंट फीलिंग वेल, हल्का हल्का बुखार था। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को समझाया कि संग्राम अगर तू लेटा रहेगा और तू आज भी काम पे नहीं जाएगा तो तीसरे दिन छुट्टी हो जाएगी महीने की। तो मैंने फाइनली स्टेप लिया, मैंने बोला उठ, थोड़ा अपने आप को मनाया, क्योंकि बीमार शरीर से ज़्यादा यहाँ माइंड से होते हम लोग। तो मैंने अपने आप को उठाया और अभी आई एम गोइंग एट वर्क 8 to 5 की शिफ्ट। काफ़ी समय बाद मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, वरना नाइट शिफ्ट में फंसा था। और आज मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह सुबह काम पर जाते हुए इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ताज़ी हवा महसूस हो रही है ना, एक अलग ही खुशी, सांस लेने में एक अलग ही एहसास हो रहा है। गुड इवनिंग, राइट नाउ इट्स 6:20 इन द इवनिंग। मेरी शिफ्ट वगैरह खत्म हो गई, मैं आ गया हूँ घर पे। और अभी ऐसा अनाउंस किया गया है कि मुंबई, पुणे, नागपुर और कई सारे जगहों पर 31 मार्च तक सब बंद कर दिया गया, सारी चीज़ें बंद कर दी गई है, ऑफिसर्स वगैरह सब चीज़ें। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो 25% तक खुले रहेंगे। और जो खाने पीने की चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें, दूध की दुकान या और कुछ ज़रूरी सामान का, वो सारी चीज़ें खुली रहेंगी। और जहाँ तक बात है मेरी इंडिविजुअल की कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं ऑफिस गया, मैंने दोस्तों से शेयर किया ऐसा हो रहा है मुझे, तो वो लोग कहा कि हम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। और जिन्हें भी पूछो सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें छींक भी आती है तो हमें ऐसा लगता है कोरोना वायरस है, अगर हमें सर भी दुखता है तो हमें ऐसा लगता है कोरोना वायरस है, अगर हल्का सा बुखार भी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस है। सो इन शॉर्ट, अगर ऐसे समय पे जहाँ पर हर जगह पर कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अगर हमें कुछ भी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोरोना वायरस है। लेकिन इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सांस फूलना, गले में कुछ खराश, सर्दी, खांसी, बुखार, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना और उन्हें दिखाना है। और बस इस ब्लॉग को यही समाप्त करते दोस्तों। इफ़ यू न्यू डू सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय।